हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेशनल आईटी। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। आज की जो भर्ती रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के सहयोग से दोस्तों भर्ती होनी है। स्वच्छ जवान की भर्ती यहाँ पे की जा रही है। आप लोग 10वीं पास हैं तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से मेरा एक निवेदन रहता है दोस्तों, चैनल पे आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहेगा नोटिस और यहाँ पर जो भर्ती रहेगी स्वच्छ जवान यानी गार्ड की भर्ती होनी, सीधी भर्ती रहेगी और ये सागर जिले में होनी दोस्तों भर्ती, ठीक है। और ये जो जिला पंचायत आजीविका मिशन के सहयोग से जहाँ दोस्तों यहाँ पर भर्ती की जा रही है, ठीक है, स्किल आपका सिक्योरिटी स्किल डेवलपमेंट एवं भारत सरकार के, ठीक है, पारा एक्ट 2005 के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वच्छ जवान का पद रहेगा, 10वीं पास मांगा हुआ है, 18 से 37 बार योग्यता रखी गई है, आपकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और भर्ती की संख्या 500 यानी 500 बार दोस्तों यहाँ पर भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों वेतन, तो वेतन भी अच्छा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों अलग जो फैसिलिटी है सुविधाएं वो भी मिलेंगी, मतलब आपका जो रहेगा रिटायरमेंट 60 साल की उम्र तक रहेगी आप लोगों की। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन में वृद्धि भी आपकी रहेगी, ठीक है। इसके बजाय नौकरी में कम से कम 5 साल आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, जिसके बाद आप रिटायरमेंट समय आपको ग्रेच्युटी के रूप में नियमानुसार मिलेगा, यानी आपको 5 साल आप करना पड़ेगा कम से कम, तब आपको मिलेगा रिटायरमेंट, ठीक है। इसके बाद जाते यहाँ पर देखिए, आपको कर्मचारियों के उनकी पति पत्नी बच्चों माता पिता के मुफ्त इलाज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सुविधाएं दोस्तों वो सब मिलने वाली है। आपको 10वीं की मार्क्स आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक आपको स्वयं को लाना पड़ेगा। कहाँ लाना है वो देख लो आप लोग यहाँ पे। तो हम कर लेते हैं देखिए कहाँ होने वाली है। पहला जो दोस्तों कैंप लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा बीना में, ठीक है, 2 जुलाई को लगना है, ठीक है, मंगलवार को लगेगा और जनपद बीना में आपको 11 बजे से 4 बजे तक पहुंच जाना है। दूसरा लगेगा खुराई में, ये लगेगा 3 जुलाई को, जनपद पंचायत खुराई में लगेगा। तीसरा लगेगा मालथौन में, ये लगेगा 4 जुलाई को, जनपद पंचायत मालथौन में लगेगा। राजगढ़ में लगेगा 5 जुलाई को, जनपद पंचायत राजगढ़ में लगेगा। और जैसी नगर में लगेगा, ये लगेगा 8 जुलाई को। और नेक्स्ट लगेगा आपका रैली में 9 जुलाई को, देवरी में लगेगा 10 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आपका लगेगा केसली में लगेगा 10-11 जुलाई को, और वंडा सागर में लगेगा 12 जुलाई को, सागर में लगेगा 15 जुलाई को, ठीक है। कहाँ पर लगना, आजीविका भवन उद्योग के सामने, विभाग के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर सबके नाम भी दिए हुए हैं, आपको सभी में 11-4 बजे तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये आपको पालन करना पड़ेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है, यदि आप लोग स्वच्छ जवान में जाना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर कैंप के माध्यम से आपकी दोस्तों भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।